प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 41वीं बार मन की बात कर रहे थे। आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले उन्होंने देशवासियों को होली के त्योहार की जो है शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि होली का त्योहार आने वाला है और आपसी मन मुटावों को दूर करके एक साथ मिल जाइए, इकट्ठे रहिए, रंगों के त्योहार का आनंद उठाइए और सबसे बड़ी बात होलिका दहन के साथ बुराइयों को जो है जरूर जला दीजिए। वहीं इसके अलावा उन्होंने विज्ञान और तकनीक के बारे में भी बात की कि किस तरह से विज्ञान तकनीक जो है उसके सहारे देश को आगे ले जाया जा सकता है और कैसे जो है देश के लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान के सहारे जो है वो लोगों की दिक्कतों को दूर करें। इसलिए 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं और उसके लिए यहां पर और भी जरूरतें हैं कि विज्ञान के सहारे जो है देश को और प्रगति के आगे रास्ते पर लेके जाया जा सके। वहीं सेफ्टी को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने की बेहद जरूरत है। हालांकि पहले से अधिक जो है यहां पर जागरूकता के बारे में उन्होंने जरूर कहा कि सेफ्टी को लेकर पहले से ज्यादा जो है लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि स्कूल्स वगैरह में जो है मॉक ड्रिल जरूर होने चाहिए। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आधी आबादी का भी जिक्र किया क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो 8 मार्च को है और यहां पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो देश में हो रहा है, महिलाएं जो हैं आगे आ रही हैं और उनकी सरकार भी जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो हमारे साथ पीएम मोदी के मन की बात की ऊपर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल आनंद जी हैं जुड़े हुए जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी आधी आबादी की। पीएम मोदी ने आधी आबादी का जिक्र किया क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे आ रहा है और साथ ही कहा कि महिलाओं का उत्थान जो है वो हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन एक मुद्दा जो बार बार जो है वो सामने आता है वो है महिला सुरक्षा को लेकर। आपको लगता है कि अब जो है सरकार को इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? बेशक सशक्तिकरण हो रहा है लेकिन जब तक एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तब तक वो सशक्तिकरण जो है वो पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इससे पहले मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं, मैं ये कहूंगा कि आज का जो उद्घोष था इनका प्रधानमंत्री की मन की बात कहा जाता है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी आज एक अध्यापक के रूप में आए। मेरा मानना है कि ही वॉज ए लेक्चरर एट इज बेस्ट। उन्होंने जो कुछ चीज़ें इश्यूज पकड़े उनको बहुत अच्छी बखूबी उन्होंने लोगों तक ले जाने की कोशिश की। अब मैं आता हूँ महिलाओं के इश्यूज की जो उन्होंने बात की। आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात ना हो बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा अहम तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं पर फोकस करके इनको दरकिनार कर दें तो मैं समझूंगा कि उस 50% आबादी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। जैसे अभी हम बीच में बात कर रहे थे, आप ही ने रेज किया क्वेश्चन वेमेन रिजर्वेशन बिल, तो इन्हीं की पार्टियां भी कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। ये तो अच्छा लगता है कि आपके स्वच्छ भारत में 1.5 लाख महिलाएं जुड़ी, उनको उसमें रोजगार भी मिला होगा, लेकिन केवल वहीं तक सहमत कर लेना महिलाओं को, ठीक है आपके कार्यक्रम को वो सफल बनाने में, वो समाज को आगे ले जाने में वो काम कर रही हैं, लेकिन उनके सशक्तिकरण पर बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री ज्यादा ध्यान देते महिला सशक्तिकरण पर, तो इंटरनेशनल महिला दिवस को केवल सिंबोलिज्म की तरह लेने से अच्छा होता कि उनको वाहवाही भी मिलती। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं उसमें, और अगर ध्यान दिया जाए, जैसे आपने कहा महिला सिक्योरिटी की, मुझे लगता है नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए महिला सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र के लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे इसको एक इमरजेंसी बेसिस पे एक लेना चाहिए, वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए कि महिलाओं की सेफ्टी कैसे हो। जी, तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तहसीन, यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण की तो बात आती है लेकिन सुरक्षित माहौल महिलाओं को देना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके बिना सशक्तिकरण जो है वो अधूरा सा सुनने में लगता है। आपको नहीं लगता है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सबको एक साथ मिलकर आगे आने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस बात को आगे ले जाया जाए कि किस तरह से जो है महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जाए? क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी प्रदेश की, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, हर जगह पे एक ही चीज देखने को मिलती है कि महिला सड़क पर जा रही थी, उसको उठा लिया गया, उसके साथ रेप हो गया। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है?
तो शायद तहसीन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अनिल जी, यहां पर जो भेदभाव है पक्ष और विपक्ष का, वो दूर करके एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि अच्छा बीजेपी के वक्त में जो है इस तरह से नहीं होता था, या कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं होता, या कांग्रेस शासित प्रदेशों में ऐसा जो है ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात सोचने वाली है कि क्यों नहीं इकट्ठे मिलकर इस बात का कुछ हल निकाला जाए जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ इश्यूज जो हैं वो अगर नेशनल नहीं तो पार्टी की राजनीति से उठ के ऊपर इश्यूज देखने चाहिए, और महिला सिक्योरिटी सशक्तिकरण ये इश्यू जो है इस सबके लिए कॉमन होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ताज्जुब की बात है कि 4-4.5 प्रधानमंत्री जी अब कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल की एक बार अपोजिशन को बुला के डिबेट नहीं की, एक बार उनकी पार्टी ने बात नहीं की इस बात पे। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी एक प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है महिलाओं की होना, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। एम्पावरमेंट जो है बहुत जरूरी हो जाए है, लेकिन सबसे पहले एक जो माहौल है वो बेहतर करना बेहद जरूरी है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। तहसीन जी, मैं आपसे यही सवाल लेना चाह रही थी पहले भी कि यहां पर पक्ष या फिर विपक्ष की बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या फिर बीजेपी शासित प्रदेश हो, सब जगह पर एक ही माहौल देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि पक्ष विपक्ष को साथ मिलकर बैठने की जरूरत है और एक ऐसा हल निकालना चाहिए कि महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके? शायद तहसीन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजीव जेटली भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि पक्ष विपक्ष तो दूर की बातें हैं, पहले महिलाओं को जरा एक सुरक्षित माहौल तो दे दे सरकार। देखिए, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए केवल एक मापदंड, जैसा मैं अभी आपकी चर्चा में सुन रहा था, केवल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात आ रही है, लेकिन जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही, पूरे देश के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों के अंदर जहां महिलाएं निकलकर आगे आई हैं, उन बातों को लेकर आगे आई हैं। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, लगभग 2 बिलियन टन जो कचरा है वो इस देश के अंदर जनरेट होता है, और 2 बिलियन टन कचरे का को किसी भी तरीके से व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने के लिए या महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर वो माध्यम, हर वो मापदंड, हर वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया था। अलग जो है ना, पहले ये बात कर लेते कि क्या एक सुरक्षित माहौल कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं ये सिर्फ बात सरकार के लिए नहीं है, बल्कि अगर हमने ये बार बार कहा कि चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या बीजेपी शासित हो, हर पे एक ही माहौल देखने को मिलता है कि कभी किसी महिला को उठा लिया जाता है, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस ये जो एक समाज में जो ये एक विकृति सी आ गई है कि छोटी छोटी बच्चियों के भी साथ रेप हो रहे हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं कि एक मानसिकता का बदलाव, कानूनी सुरक्षा सरकारें प्रदान करती है, एक मानसिकता में बदलाव बहुत सख्त उसकी जरूरत है, लेकिन हर बात को आप देखिएगा, जोड़कर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण से जाकर जुड़ती है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उन पुरुषों के साथ उनका चलना, जिन पुरुषों के द्वारा ये हरकत की जाती है जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, तो ये सशक्तिकरण के साथ साथ मानसिकता का बदलाव भी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में, आज से नहीं, जितनी भी अभी आज 41वीं मन की बात उनकी हुई है, हर बार उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, इवन आज तो उन्होंने ये भी बात कही कि 100 साल की महिलाएं जो गांव में रहती हैं या इस देश के अंदर किसी भी गांव में रहती हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही, किस तरह की चुनौतियों से वो निकल करके आई हैं। आपने आज की बात करी, लगभग 100 साल से जो महिलाएं जिन चुनौतियों को जूझ रही हैं उनके बारे में भी, उनके उनके विचार लेने भी बहुत जरूरी है, उनके बारे में उनकी राय लेने भी बहुत जरूरी है, उनकी जो भी उनके साथ आप बीती हुई है उसको भी आगे रखें, और उसी के आधार पर आप, जैसे आज सबसे पहले मन की बात की शुरुआत जो हुई वो साइंस से लेकर हुई। एक बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही कि प्रश्न पूछने की आदत सबसे अच्छी होती है, और अगर आपके पास प्रश्न नहीं होंगे तो उसके हल नहीं निकाल सकते, और एक बड़ा प्रश्न है जो आपने उठाया कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, और ये एक प्रश्न है जिसके उत्तर बार बार चाहिए होंगे, और ये उत्तर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, और ये भी हम कहते हैं कि एक मानसिकता का बदलाव, साइमल्टेनियसली सरकार के जो दायित्व बनते हैं वो हम अपनी पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन वहां जहां पर देखिए बहुत बड़े, आपने देखा होगा देश के अंदर शौचालयों के अभाव में भी इस तरीके के कुकर्म हुआ करते थे, और शौचालयों का निर्माण कितने क्रांति स्तर पर इस देश के अंदर किया गया, कई जगहों पर उन चीजों में बदलाव किए गए, लेकिन
मैं आपकी बात से फिर भी पूरी तरह सहमत हूं कि जहां जहां पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इस तरीके के असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, देखा भी देखते ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी, जो घरेलू महिलाएं या घरों के अंदर इस तरीके के आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं, वो केवल एक मानसिकता से के बदलाव से ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं। और पूरे देश को बार बार एक प्रधानमंत्री बाहर आकर पूरे देश को वो शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं और वो बातें रखते हैं जो बातें सरकारी तौर पर तो कभी सिर्फ एडवर्टीजमेंट में आपने देखी होंगी, लेकिन उसकी जो थीम है, उसका जो कोर है, उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुई। और एक मतलब आपको देखने को हमारे साथ जुड़े हुए तीन सालों के अंदर, राजीव जी तहसीन सालों के अंदर आपने देखा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक राय जान लेते हैं। तहसीन, राजीव जी का कहना है कि यहाँ पर सरकार जो है वो काफी कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कदम जो है वो जो उठाए हैं सरकार ने वो काफी हैं? और इसके अलावा आपको लग रहा है कि सरकार क्या कामयाब हो पाई है एक सुरक्षित माहौल देने में? मैं इसका जवाब देता हूं, क्योंकि जो भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बातें सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। एक ही शुरुआत इससे करते, विमेन्स रिजर्वेशन बिल ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है, इनके पास मेजोरिटी है, बहुमत है, ये एक मिनट का काम है सर मोदी जी को इसे पास करना, पारित करना अगर वो चाहते सही तरीके से। तहसीन, विमेन रिजर्वेशन बिल की अगर बात कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इसे पास करा नहीं पाई थी, क्यों नहीं पाई? विपक्ष इकट्ठा हो जाता है इस बिल पे। आपने किसी को टोका नहीं? नहीं नहीं तहसीन, बात टोकने की नहीं है, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं सर इसमें जो है पक्ष विपक्ष इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं जवाब दे देता हूं। जी बोलिए बोलिए। मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल बोलिए। थैंक यू। जब कांग्रेस ने राज्यसभा में पारित किया, आप भूल रहे हो कि जब कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पारित किया, आप भूल रहे हो कि लोकसभा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी। आज भी कांग्रेस ये कमिट कर रही है, मोदी जी ले आए, हम राज्यसभा और लोकसभा में इनकी, राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लोकसभा में इसे इमीडिएटली पास कर देंगे। ये ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो चुका है और कांग्रेस ने किया है पास, लोकसभा में मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस की, 206 सीटें थी और आज भी कांग्रेस इसे कमिट कर रही है, ले आए मोदी जी कल सुबह ले आए, कौन रोक रहा है? अगले पार्लियामेंट सेशन 5 तारीख को चालू हो रहा है, ले आए, क्यों इसे नहीं ला रहे मोदी जी? पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ने ये महिलाओं पे अच्छा समन दिया, योगी आदित्यनाथ जी की आप स्पीचे सुने महिला के बारे में, खट्टर साहब की स्पीच सुने, खट्टर साहब कहते हैं महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, आप इनकी बात सुने, साक्षी महाराज के एक एक लड़की को 14-14 बच्चे होने चाहिए, ये इनके लॉ मेकर्स है, ये कोई आर पार के फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं, लॉ मेकर्स है, इन पर क्या कार्रवाई हुई? आप महिला सुरक्षा की बात करते हो। देखिए मैं और एक आपको उदाहरण दे दूं, बजट आया, उसको पिंक कवर में ढकला गया, वो बजट की आपने तस्वीर देखी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी की टीम थी एक भी महिला नहीं थी, सैनिटरी नैपकिन्स पे 12% GST आप लगाते हो और आप बजट को पिंक कवर में ढलते हो महिला सुरक्षा के लिए, ये सारे जुमलेबाजी है, इससे कुछ नहीं होगा। आप हमसे बात, 5 तारीख को ले आओ, मैं आपके चैनल पर गारंटी देता हूं कांग्रेस इसे सपोर्ट करेगी। राजीव जी जवाब दीजिए, ये कांग्रेस के लॉ मेकर्स ने ये बात नहीं की। मुझे इनकी इस बात के ऊपर कि कोई भी अच्छी बात सुनने के लिए कोई भी कांग्रेसी तैयार नहीं होता, आज की जितनी उपलब्धियां बताई गई, ये आज थोड़ी सी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि बॉम्बे से मात्र प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 किलोमीटर की दूरी पे गांव के अंदर बिजली नहीं थी, कांग्रेसी तो अभी ये तो बच्चे होंगे, इन्होंने पता ही नहीं होगा, इनको जितनी ट्रेनिंग मिली है 15-16-17 सालों के अंदर कांग्रेस द्वारा, ये उसी हिसाब से टीवी चैनल पर डिस्कशन करते हैं, इस देश के हालात क्या थे ये इन हालातों से अवगत नहीं होंगे। जो आज बात बताई गई, इसी देश की महिलाओं को गिनती में नहीं लिया जाता था, इनके आपकी महिलाओं में केवल इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी आती हैं, उसके अलावा आपका महिला का जो चैप्टर है, महिला का नामो निशान मिटा दिया जाता है। अभी तक बताइए 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल तक आपने कानून भी पास करे, जब राजीव गांधी जी एक पत्नी को, एक मुस्लिम महिलाओं को 5 पति देने की सौगात दे सकते थे, तो क्या महिला रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे? बात केवल यह आ रही है कि मन की बात में जो भी बातें माननीय प्रधानमंत्री करते हैं वो कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं होती है, वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि वो इस देश के उत्थान से जुड़ी हुई होती है। पूरी डिस्कशन के अंदर जितने भी उन्होंने कहा, सरकारी समितियां बना के महिलाओं को ये कार्य करने चाहिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने चाहिए, एक भी डिस्कशन नहीं करने को तैयार है। ये हर डिस्कशन को पॉलिटिकल लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल भी अपनी सहूलत के हिसाब से लेना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर आपने पॉलिटिकल डिस्कशन भी करनी है तो शुरुआत करते हैं ना राजीव गांधी जी से, जो सबसे पहले व्यक्ति थे इस देश के जिसने कानून बना के महिलाओं के अधिकारों का आनंद किया था,
आज तो सबसे बड़े महिलाओं के खलनायक निकली थी कांग्रेस की सरकार, और आज जाकर अगर वो हक दिलवाया किसी ने तो वही मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। तो महिलाओं के अधिकारों की बात आपसे नहीं सीखनी है, महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर जितने कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही। उसके ऊपर अगर चर्चा करने के लिए तैयार है तो मैं कंपेरिजन के साथ चर्चा करने को तैयार हूँ, कितने कदम आपकी सरकार ने उठाए और कितने कदम महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिलाओं के अधिकारों को लेकर या महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो चाहे वो दूसरी योजनाओं के तहत हो, जो उनके घरों तक बिजली, उनके घरों तक पानी, उनके घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की, एक छोटी सी बुनियादी जरूरत ईंधन की, अब वो नहीं दे पा रहे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मन की बात में अगर कोई बात सुननी चाहिए, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की मजबूरी होगी क्योंकि उनके वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो घोटालों के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप तो युवा है, आपको तो समझना चाहिए, देश तो आपका है, प्रधानमंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं उनको समझिए और कम से कम ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं को बताइए जाकर कि भाई का भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कर रही है वो तो हमारी सोच भी नहीं थी, कम से कम इतनी बात कीजिए, आपकी पार्टी, आपका आपका देश है, पार्टी को छोड़िए, पार्टी के साथ भी चलेंगे तो इस देश का उत्थान की बात तो कीजिए। आप राहुल सोनिया तक सीमित मत रहिए, बाहर निकलिए, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है। तहसीन जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए तहसीन जी। इन्होंने राजीव गांधी पर टिप्पणी करी, मैं भी मोदी जी के व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन महिलाओं को लेकर, लेकिन मैं करूंगा नहीं इस तरह की टिप्पणियां, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता की यही एक वो होती है, ये कोशिश होती है जब डिबेट इंटेलेक्चुअल हो जाता है और जब इनके पास जवाब नहीं होता है, ये गांधी परिवार को देखिए प्लीज मैडम, मैं किसके बीच में बोलता नहीं हूँ, प्लीज थैंक यू। भाजपा के प्रवक्ताओं की आदत होती है जब डिबेट इंटेल, मैडम सॉरी मैडम, मैं नहीं बोलता, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए फिर आप उसका जवाब दीजिएगा, बोलिए तहसीन जी। थैंक यू मैडम। भाजपा के प्रवक्ताओं की एक आदत होती है जब इनसे इनसे आप इंटेलेक्चुअल बातें करो तो ये व्यक्तिगत हो जाते हैं लीडर्स के बारे में, और हम जब व्यक्तिगत हो जाते हैं तब इनको बड़ा बुरा लगता है तो उस चीज को छोड़ देते हैं। अगर इनको बात करनी है राजीव गांधी से, हम नेहरू से बात करते हैं, जब संविधान बन रहा था, जब नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी और अंबेडकर का भाषण पढ़ो, एवरी अडल्ट विल हैव अ राइट टू वोट, इसका विपक्ष किसने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यही जनसंघ के लोगों ने विपक्ष किया था उसके, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे। तो हम उसमें नहीं जाते, आज की बात करते, और आज की बात करते कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। कांग्रेस आज 45 सीट्स पे आ गई, बहुमत तो आज आपके पास है, सवाल है आप क्या कर रहे हो महिलाओं के लिए, आप महिला के अधिकारों की बात करते हो, बहुत अच्छा किया आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में आपने जो साथ दिया, मैं इसका आपका समर्थन करता हूं, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायत पे, क्यों आपकी सरकार खाप पंचायत पे कोई स्टैंड नहीं ले रही है, क्यों आपकी सरकार नहीं कह रही है खाप पंचायत गलत है, क्यों लव जिहाद जैसे जहर आपकी सरकार फैला रही है ऑफिशियल लोगों से, क्यों योगी आदित्यनाथ और खट्टर जैसे लोग कहते हैं महिलाओं को जींस पहनने का अधिकार नहीं, आप इस चैनल पे कहिए कि योगी आदित्यनाथ और खट्टर गलत थे, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे कि शाह वाव जजमेंट गलत था, मैं बहुत खुश हूं कि वो निकल गया है, अब आप कहिए ये गलत है, कांग्रेस इसके कांग्रेस को इसकी सजा मिल चुकी है, बहुमत में आप है, सवाल आप दीजिए महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो। आखिरी चीज मैं कहता हूं, कांग्रेस जब सरकार में थी ऑयल प्राइस था $140 पर बैरल, हम सिलेंडर बेच रहे थे 300-400 रुपए में, आज आप सिलेंडर बेचते हो 800 रुपए में, आप महिलाओं की बात कर रहे हो, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हो, आप कोई सुरक्षा बात नहीं कर सकते हो, पर इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो अगर गैस को कहीं पहुंचाया गया है तो सरकार ने ही पहुंचाया है। खैर राजीव जी भी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बताइए राजीव जी। मैं शॉर्ट में बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी से केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई अपनी कांग्रेस के पार्टी के ब्याप पे बात रखें तो ये जरूर चेक करके रखें कि मेरी पार्टी की शुरुआत है या भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन लगा रहा हूं। खाप पंचायतों के समर्थक और ऑनर किलिंग के समर्थक कौन रहे हैं, इनकी सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि खाप पंचायतें होनी चाहिए और ऑनर किलिंग को भी उन्होंने साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया है। तो मुझे कम से कम ये चर्चा ना करें जो इनके मुख्यमंत्री जिसकी वकालत करते रहे हो। बात यहां पर यह आ रही है कि हमने भी कहा खाप पंचायतों को किसी भी तरीके का राइट कानूनी रूप से नहीं देना चाहिए जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो। हाँ, केवल सामाजिक कार्यों के लिए खाप पंचायतों का उत्थान जरूरी है, लेकिन यहां पर इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा कि खाप पंचायतें तो दूर की बात, ऑनर किलिंग को भी
इस देश के अंदर जस्टिफाई इसलिए करा जाना चाहिए क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से बेहतर है, इसलिए पूनावाला साहब थोड़ी सी जानकारी पीछे की रख के फिर आगे आगे बढ़ा कहिए। अब बात यहां पर आ रही है महिला के सशक्तिकरण की और सुरक्षा की। सबसे पहला जो हमारा इशू है, कोर इशू है, वो यही है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, जिसके ऊपर बहुत सारे कार्य मैंने अभी आपको पहले भी बताया, और सशक्तिकरण के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करनी है। सबसे पहला इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय के रूप में लिया, जिसकी कल्पना क्या इसके बारे में सोचा भी नहीं गया होगा कभी पूर्व की सरकारों में। ये इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, बहुत हद तक इसके अंदर भी गिरावट आई। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि आप ये देखिए छोटी छोटी बातें, अब उस बातों से हटके आपने डिबेट को सीमित कर दिया महिलाओं तक, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत सारे इशू थे, सेफ्टी से जुड़े इशू थे, बहुत सारे ऐसे इशू थे कि इस देश के अंदर मृत्यु हो जाया करती थी, उन मृत्युओं में गिरावट आई, जो लू जो जागरूकता की कमी से होती थी, और महिलाओं की सुरक्षा भी जागरूकता का ही एक इशू है, वो भी जागरूकता से जुड़ा हुआ इशू है। जी जी। अगर सशक्तिकरण जागरूकता से जुड़ा इशू है, बिल्कुल जागरूक होने की भी यहाँ पर जरूरत है। आपको रोकना चाहूंगी, जागरूक होने की आपने सही कहा कि जरूरत बहुत है, समय सीमित है, इसलिए अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहा है, और लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है, सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज बीजेपी की सरकार है, महिलाओं को वो सुरक्षित माहौल क्या मिल पाया है? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो महिलाओं 70 साल हो गए, चूंकि 4 साल हो गए, मैं मानता हूं जेटली जी की बात, 60 साल बनाम 4 साल नहीं कंपेरिजन हो सकते, लेकिन 4 साल में कुछ ऐसे ब्लू प्रिंट्स तो दिए जा सकते हैं जो 60 साल की नाकामी के अलग हों। बदकिस्मती है कि कई चीजों पे वो ब्लूप्रिंट भी नहीं आए हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है दोनों पार्टीज के साथ, इनके स्पोक्समैन तहसीन साहब तो खैर सिंपथाइजर हैं पार्टी के, खासकर जेटली साहब को और कांग्रेस को भी, कि महिला को एक तो कमोडिटी मान के मत चलिए आप। महिला सशक्त है, महिला क्या पहनेगी नहीं पहनेगी ये उसकी जिम्मेदारी है। खाप कौन सा सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, पुराने जमाने में होता होगा, आज तो होता नजर नहीं आ रहा। जेटली जी माफी चाहता हूं आपसे, महिलाओं को अपने अपने विवेक पे छोड़ दीजिए, उनको उनकी इंपावरमेंट। ये भी मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि महिलाओं को बैक करना पड़ रहा है हमारी इंपावरमेंट, ये हक है उनका, और जो भी महिला के लिए आप करें कृपया कृपया उनके हक को मान के, बिल्कुल हक के तौर पे कहा कि महिलाओं का हक जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पर जरूरत जो है वो महिला सशक्तिकरण के साथ, लेकिन सबसे पहले ये है कि उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, क्योंकि सुरक्षित माहौल दिए बिना सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता, वो अधूरा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत ये हो जाती है कि सरकार और विपक्ष को एक साथ आगे आना चाहिए, ये राजनीति वाले जो डिफरेंसेस है उन सबको दूर करके जो है इकट्ठा आने की जरूरत है, जिससे महिलाओं को एक बेहतर सुरक्षित माहौल दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बहुत जरूरत है कि पक्ष और विपक्ष साथ आगे आए। तो मन की बात में इतना ही, लेकिन ज़ी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।